फटाफट अपना अपना अटेंडेंस बनाइए और फिर जाकर हम लोग जो है नया लेसन जो भी है स्टार्ट हुआ है ना लेसन 10 उसे आज थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक पढ़ना है लेकिन उसको अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नीड टू मेजर डिस्टेंस, मतलब हमें किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए कहता है यू मे हैव बीन आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अक्सर आप कभी चर्चा करते होंगे कि हाँ भाई इस जगह से उस जगह के बीच की दूरी कितनी है ना, किसी भी चीज़ को कितना फीट लंबा किया जाए, जैसे यह सड़क है तो ये यहाँ से कितना किलोमीटर तक है, मतलब ये जो आप यूज कर रहे हो किलोमीटर, तो ये कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस को ही बता रहे हो। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर मीटर ये सब चीज़ यूज करते हैं। तो कहता है हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है। अक्सर आप प्रायः कोई ना कोई तो पूछते ही होंगे आपके रिलेटिव या जो भी हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ये जो सूर्य है यह हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है, अक्सर यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कहता है टू मेजर अ डिस्टेंस, मतलब किसी भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए कहता है वी हैव टू कंसीडर सम यूनिट, हमें कुछ यूनिट की आवश्यकता हो, एक एक इकाई इसकी जरूरत हो। अकर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, जो बेसिकली दो बिंदुओं के बीच, जो दो बिंदुओं के बीच घटित होता है। एंड द यूनिट मे बी एन आर्बिट्रेरी और अ स्टैंडर्ड वन, यूनिट जो है वह तो आर्बिट्रेरी भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूनिट। अब जैसे स्टैंडर्ड यूनिट आप लोग तो पहले से जान रहे हैं, जैसे किलोग्राम सेकेंड मीटर ये सब, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनिट क्या हुआ, आर्बिट्रेरी यूनिट वे हुए जैसे ऑरली गांव घर की भाषा में लोग कहते होंगे एक धूल पाँच धूल है ना, दो लग्गा तीन लग्गा, ये सब जो है ये सब आर्बिट्रेरी हैं जो पारंपरिक तरीके से जो पुराने समय से जो लोग यूज करते हैं। तो ये सारे यूनिट्स हो गए, तो इन सारे यूनिट्स की हमें जरूरत होती है। अब जैसे एक्टिविटी वन है इसमें कहता है लेट अस ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, जैसे यहाँ एक पेंसिल का लेंथ अगर हमें मेजर करना हो तो कहता है टू डू शो, ऐसा करने के लिए वी रिक्वायर अ यूनिट ऑफ लेंथ, हमें एक लेंथ की जरूरत होती है, एक लंबाई की जरूरत होती है। तो कहता है लेट अस टेक अ पिन एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो उस पेंसिल के लंबाई को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एक लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक पिन ले लेते हैं जो कि उसके यूनिट का काम करेगा। ठीक है, देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, चलिए इसको भी सॉल्व करता हूँ। अब ठीक है, नाइस गुड। तो देखिए हम थे नीड टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक पेंसिल के लेंथ को मेजर किया गया और इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक पिन का इस्तेमाल किया है जो उसके यूनिट ऑफ लेंथ को बताया एज अ यूनिट, यूज इट टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड लेट इट बी सिक्स टाइम्स द लेंथ ऑफ द गिवन पिन। मान लो कि जो पिन का इस्तेमाल आपने उस पेंसिल को मेजर करने के लिए किया, अगर वह पिन
वह पेंसिल उस पिन से 6 गुना बड़ा है ना। तो वी से दैट, तो हम कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, यानी कि उस पेंसिल की जो लंबाई है वह 6 गुनी है उस पिन की, जो पिन है उससे अगर 6 गुना बड़ा है, यानी आपने मेजर किया 6 टाइम्स में अगर वो कंप्लीट हुआ तो यानी वो उससे 6 गुना बड़ा है। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ पुराने या आर्बिट्रेरी मेथड मैंने जैसे बताया, जैसा कि फुट स्टेप है, फुट है, हैंड स्पैन है, आर्म लेंथ है, तो ये सभी जैसे हम क्यूबिट भी कहते हैं, ये सभी जो है पुराने समय में इन सब का यूज किया जाता था, लोग ऐसे ही ऑरली मतलब कह देते थे कि चलो भाई, तो इसमें उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहता, आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लेंथ डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सपोज ये मेरा ये जो आप देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये हैंड स्पैन आप देख रहे हैं, ये कितना लंबा है, किसी का छोटा होगा, किसी का बहुत छोटा होगा, मतलब कि किसी का हमसे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो इसमें क्या है कि सबका डिफरेंट लेंथ है, तो सभी जो है एक जैसा लेंथ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सबका डिफरेंट आएगा, इसीलिए ये एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब को चेंज किया गया। अब जैसे यहाँ 1 यार्ड, ठीक है, जैसे ये एक हैंड है और इसकी लंबाई 1 यार्ड है, तो 1 यार्ड का वैल्यू पता है कितना होता है, 1 3 feet, 1 yard is equal to 3 feet। आप लोग याद रखिएगा, अगर 1 yard बोला जाए तो 1 yard का मतलब 3 feet होता है। ठीक है, यानी मनुष्य के शरीर का लंबाई अगर 6 feet है तो उसका हाथ उसके बॉडी का हाफ होगा, हाफ होने का मतलब वो लगभग 3 feet होगा। अगर 5 feet के हैं आप तो 2.5 feet का हाथ होगा, अगर आप 4 फीट के हैं तो 2 फीट का होगा, अगर 2 फीट के हैं तो 1 फीट का होगा। अब 1 फीट का तो हाथ मैंने रेयर केस में देखा है, जनरली बच्चों का हाथ होता है, जब आप बड़े होते हैं तो आपके हाथ पैर इन सब की लंबाई बढ़ जाती है। अब देखिए कहता है क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड सच एज टाइम, वेट ऑफ मास, लेंथ, टेम्परेचर एंड स्पीड, ये सारे जो यूनिट हैं, जो भी क्वांटिटीज हैं, सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसा कि अभी आपने एक्टिविटी देखा कि इट इज़ क्लियर दैट, वह स्पष्ट कर रहा है कि जो पिन लेंथ है वो फिक्स्ड है, पिन की लंबाई फिक्स्ड है, हैंस द रिजल्ट्स विल बी द ऑलमोस्ट द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर मेजर द ऑब्जेक्ट्स। हम कह सकते हैं कि यह लगभग एक सही वैल्यू वहां शो कर रहा है। ठीक है, दस मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी भी नोन क्वांटिटी से मेजर करना, उसे मापना, उसे तुलना करना, यही तो मेजरमेंट कहलाता है। द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, जिस फिक्स्ड क्वांटिटी को आप जान रहे हैं वह यूनिट कहलाता है। तो मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, कोई भी मेजरमेंट हमेशा 2 पार्ट में लिखे जाते हैं, एक पार्ट नंबर होता है जबकि दूसरा पार्ट यूनिट होता है। जैसे हम लिखते हैं 6 सेकेंड, तो ये जो 6 है या नंबर है, और ये जो सेकेंड है आप देख रहे हैं ये यूनिट। अगर हम लिखते हैं 5 kg, तो ये जो 5 है यह आपका नंबर है और यह जो किलोग्राम है यह आपका यूनिट है। तो कोई भी जो मेजरमेंट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम लोग नंबर कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो देर आर हाउएवर सर्टेन यूनिट्स विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मतलब बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल वैन डिफरेंट पर्सन यूज क्यूबिट, जैसे कि कोई दूसरे आदमी जो अलग अलग व्यक्ति जब क्यूबिट का इस्तेमाल करें, हैंड स्पैन का इस्तेमाल करें, फुट स्टेप का इस्तेमाल करें एज ए यूनिट, तो यह रिजल्ट थोड़ा अलग अलग आएगा, क्योंकि सभी के हाथ और पैर की लंबाई एक जैसी नहीं है।
ठीक है, तो सारी लेंथ अलग अलग आए। तो फॉलोइंग एक्टिविटी जो है इस चीज़ को क्लियर करता है, जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको फिगर में दिखाया था। ठीक है, तो कहता है फैक्ट फाइल में दिया गया है टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। ठीक है, जैसे कि मास है तो 10 kg यहाँ लिखा गया द्रव्यमान किसी वस्तु का, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू को n से डिनोट करेंगे और यूनिट को हम u से डिनोट करेंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। एन मतलब नंबर, कोई भी नंबर होगा, और यू मतलब यूनिट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी समझाया। अब देखिए कहता है सी इफ द वाइड्थ ऑफ द डोर इन टर्म्स ऑफ हैंड स्पैन्स इज द सेम इन ऑल द केसेस। क्या आप देखे होंगे अगर दरवाजा है, दरवाजे का अगर वाइड्थ हम मेजर करने के लिए कहते हैं, तो क्या हैंड स्पैन की मदद से क्या सभी केसेज में यह समान ही आए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एज द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन ऑफ वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, क्योंकि एक इंसान, एक आदमी जिसके हैंड स्पैन की लंबाई दूसरे आदमी से डिफरेंट, अलग हो। एंड इफ यू टेल समवन द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ हैंड स्पैन, अगर आप किसी को हैंड स्पैन के टर्म्स में अगर उसको मेजरमेंट को कहेंगे, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल वाइड इज, तो वो नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि इस दरवाजे की लंबाई कितनी है, कितना हैंड स्पैन बोल रहा है, उसे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हैंस हैंड स्पैन इज नॉट अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए हम इसे फिक्स्ड यूनिट नहीं कह सकते मेजरमेंट का। ठीक है, अब देखिए कहता है नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आखिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ी इस स्टैंडर्ड यूनिट का, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें उसके स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों? तो कहता है सिंस सच यूनिट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल हैंड्स फुट एटसेट्रा दे कॉज वेरिएशंस इन मेजरमेंट। देखिए जो यूनिट्स होते हैं वह किसी भी चीज़ों के साइज पर डिपेंड करता है, फुट पर डिपेंड करता है, हैंड्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि दे कॉज वेरिएशंस इन मेजरमेंट, क्योंकि इन्हीं के कारण अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले। जैसे किसी ने मेजर किया तो 3 हैंड स्पैन हुआ, किसी ने किया तो 3.5 हो गए, ये कैसे हो गया? अगर वह सिंगुलर रहता, उसकी लंबाई, सबों की लंबाई, हाथ पर की लंबाई इक्वल रहती, तो शायद वही मेजरमेंट के तौर पर यूज कर सकते, लेकिन सभी का डिफरेंट होता है। तो कहते हैं इवन डिफरेंट कंट्रीज हैड देयर ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अ फ्यू डिकेड्स अगो, पिछले कुछ दशकों पहले, यानी कुछ दशकों पहले पूरे विश्व में, पूरे देश में मिल करके एक क्वांटिटी को फिक्स्ड किया, सबका अपना अपना ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हुआ। लेकिन आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर यहाँ भी इंडिया में लोग किलोग्राम या केजी कहते हैं, तो विदेश में भी लोग इसे केजी ही कहें। अगर टाइम का यूनिट अगर आर सेकेंड होता है, तो विदेश में भी इसको सेकेंड ही कहा जाएगा, इसको कुछ और नाम से थोड़ी ना कहा जाए। तो ये हुआ सभी देशों के लिए एक यूनिट हुआ, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो बनाया गया, जिसमें सभी देशों ने मिल करके इसमें सहमति जताई और सभी वस्तुओं के लिए, द्रव्यमान के लिए, दूरी के लिए, समय के लिए, कैपेसिटी के लिए, सब चीज़ के लिए यूनिट को फिक्स्ड किया गया, और इसे ही पूरा विश्व आज भी फॉलो। तो ये पिछले कुछ दशकों पहले इन चीज़ों को लागू किया गया। फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द ईयर 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर रिकमेंडेड दैट अ कॉमन सिस्टम शुड बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो जनरल कॉन्फ्रेंस जो किया गया था वेट एंड मेजर का जो था, मतलब जो भी इसका एक सेंटर है, तो सब में एक समानता लाने के लिए सन 1960 में एक कॉमन सिस्टम का प्रावधान किया गया था पूरे विश्व भर में। तो यही सिस्टम कहलाया था SI सिस्टम। SI इज द एब्रिविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स इन फ्रेंच, फ्रेंच की भाषा में उसे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स कहा जाता है। इन चीज़ों को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, 1960 को अंडरलाइन करना चाहिए आपको।
तो देखिए कहता है इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंथ मास और टाइम का जो यूनिट रखा गया है जैसे मीटर। कहता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ रिटन एज मीटर, यानी लेंथ यानी लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, जैसे शॉर्ट में हम एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद किलोग्राम, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास रिट एज किलोग्राम यानी केजी, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम जिसे हम रिट एज एस सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, तो सेकेंड को एस से डिनोट कर सकते हैं। कहता है द एसआई सिस्टम इज यूनिफॉर्मली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल साइंटिफिक वर्क, जितने भी साइंटिफिक वर्क हैं इन सबों के लिए एक जैसा एसआई सिस्टम यूज किया जाता है पूरे विश्व भर। हाउएवर इन एवरीडे मेजरमेंट्स अदर सिस्टम्स आर स्टिल इन यूज सच एज द एफटीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड। उसके बाद है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड which use the same standard units for length, mass and time as the SI system, जिसमें कहता है पूरे देश में एक ही यूनिट यूज़ किया जाता है लेंथ मास और टाइम के, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये सभी जो हैं कॉमनली यूज किए जाने वाले SI यूनिट्स हैं। तो कहता है मेकिंग कैलकुलेशंस विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड मे लीड टू एरर्स इन कैलकुलेशन, मतलब बड़े बड़े नंबर को है ना छोटे छोटे नंबर में जब कन्वर्ट किया जाता था तो उसमें लिखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स आता था कैलकुलेशन करने में। सो फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी एंड कन्वीनियंस वी यूज इधर मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शंस और सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेक लार्ज एंड स्मॉल मेट्स। जैसे अगर हम 10 लाख को लिखना है तो 10 लाख को हम 10 लाख मतलब एक बार शून्य देते देते कभी हो सकता है एक जीरो छूट जाए, तो इसमें दिक्कतें आई और इसके लिए उसमें यूज किया गया 1 मिलियन। तो आप सीधा 1 और मिलियन लिख दो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेबल में मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स यूज किए गए हैं। तो देखिए प्रीफिक्स के तौर पर जैसे डेसी सेंटी मिली किलो मेगा ये सभी जो हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रीफिक्स हैं और इनका एब्रिविएशन जैसे डेसी है तो डी से सेंटी है तो सी से मिली है तो एम से किलो है तो के और मेगा है तो एम से डिनोट करना है, ठीक है। और कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ लेंथ मास और टाइम जो दे रखा है तो इसमें लेंथ के लिए 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब जैसे मास में 1000 मिलीग्राम है तो इसे हम 1 ग्राम कहेंगे, 1000 ग्राम है तो इसे 1 किलोग्राम कहेंगे, 1000 किलोग्राम है तो 1000 किलोग्राम है तो आप इसमें 1000 किलोग्राम गलत दे रखा है, इसमें एक्चुअली में 100 किलोग्राम होगा, ठीक है, 100 किलोग्राम होगा तो उसे हम 1 क्विंटल कहेंगे, ठीक है, और 10 क्विंटल अगर है तो वह 1 मीट्रिक टन है यानी 1000 किलोग्राम को हम 1 मीट्रिक टन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए कि 1000 किलोग्राम वहाँ पर 100 कर दीजिए और 100 किलोग्राम का मतलब 1 क्विंटल होता है, ठीक है। देखिए अब टाइम में आइए तो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट आप लोगों को पता ही होगा, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 24 hours इज इक्वल टू 1 day है ना, 365 days इज इक्वल टू 1 year, 10 years मतलब 1 decade ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 10 decade मतलब 1 century यानी 100 years हो गया, और 10 century का मतलब होता है 1 millennium यानी 1000 years, ठीक है। अब देखिए कहता है द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन राइटिंग द सिंबल ऑफ यूनिट्स। अब देखिए कुछ सिंबल लिखने के लिए कुछ अलग अलग यूनिट्स को फॉलो करना होता है, जैसे सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, कभी भी उसमें सिंबल के अंत में फुल स्टॉप नहीं दिया जाएगा,
और कहता है सिंबॉल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल, मतलब कभी आपने ऐसा देखा है 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो कभी आपने 5 सेंटीमीटर्स लिखा हुआ नहीं देखा है ना, किलोग्राम्स लिखा हुआ नहीं देखा होगा। अगर 5 किलोग्राम हो चाहे 5 लाख किलोग्राम हो तो वह केजी ही लिखा जाएगा, उसमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना उसे, ठीक है। तो ये कुछ शर्त हैं। अब जैसे मास का देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, ये फैक्ट फाइल में दे रखा है आपको, ये सब याद रखना होगा। मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन और इलेक्ट्रिक करेंट का होता है एम्पियर, ठीक है। तो देखिए कहता है इन आवर कंट्री द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर रिकमेंडेड बाय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी NPL जो कि नई दिल्ली में स्थित है। द मेजरिंग रॉड्स एंड वेट्स यूज्ड इन द मार्केट आर कॉपीज ऑफ द स्टैंडर्ड केप्ट एट NPL। NPL के द्वारा ही वो चीज़ मार्क किया जाता है। जैसे मार्केट में कोई भी अगर वेइंग मशीन यूज हो रहा है तो उसमें क्या यूनिट होना चाहिए, किसी भी डब्बे में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ फिक्स करने का काम NPL का है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और फिर जो भी उसमें बातें होंगी उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।